हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट। दिस इज़ द 13th पार्ट ऑफ कंप्लीट HTML सीरीज़। तो आज हम देखेंगे हम वेब पेज पर टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी स्टार्ट विद HTML, देन हेड, देन टाइटल। मैं टाइटल लिख रही हूँ टेबल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, देन हम टेबल के लिए यूज करेंगे टेबल टैग। देन हम टेबल को बॉर्डर लगाने के लिए लिखेंगे बॉर्डर। हम बॉर्डर की हाइट विड्थ दे सकते हैं, हमें कितना चाहिए कितना नहीं। अगर हम नहीं देंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो उतना आ जाएगा। देन हम लिखेंगे सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। अब सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या होता है? सेल स्पेसिंग में आ जाते हैं सेल्स, दो सेल के बीच का गैप, वो हो गया सेल स्पेसिंग। एंड सेल पैडिंग होता है एक ही सेल में जो हमने वर्ड लिखा है उसका गैप, उसी सेल से जो हमने उस सेल के अंदर वर्ड लिखा है उससे उस सेल की बाउंड्री तक का गैप, वो होता है सेल पैडिंग। अगर हम इसका विड्थ सॉरी इसकी डायमेंशंस नहीं देते सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग की, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली होती है वो अपने आप आ जाएगी। देन अगर हमें टाइटल देना है, देन हम अगर टेबल का हमें टाइटल देना है देन हम लिखेंगे TH, अगर नहीं देना तो नहीं लिखेंगे। अगर मुझे देना है लेट सपोज, तो मैं लिखूँगी TH। मुझे बनानी है मार्क्स की टेबल, तो मैं मार्क्स लिखूँगी, देन TH क्लोज। देन हम लिखना है TR, TR फॉर रोज, कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। उसके बाद हम जैसे हमारा लिस्ट टैग था ना उसी तरह ये थोड़ा, फिर हम लिखेंगे TD, ये कॉलम्स के लिए है कि हमें एक टेबल में कितने कॉलम्स चाहिए। जैसे मैं टेबल में मार्क्स के लिए पहले लिखूंगी नेम, TD को क्लोज करेंगे, TD स्टार्ट, देन नेम के साथ अलग अलग सब्जेक्ट लिखेंगे या रोल नंबर हम लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख लेते हैं, रोल नंबर, देन सब्जेक्ट लिख सकते हैं हम, कोई और सब्जेक्ट का नेम भी लिख सकते हैं। ये हमारी एक रो हुई है अभी। देन अब हम स्टूडेंट्स के इसमें नाम वगैरह लिखेंगे जिसकी हमें टेबल बनानी है, वो कैसे? हमें TR फिर से मतलब सेकेंड रो शुरू करनी है, ये हमारा अभी फर्स्ट, ये इतना जो काम किया हमने वो फर्स्ट रो का किया है अभी। देन हम सेकेंड रो का दोबारा से शुरू करेंगे, फिर से TD टैग लगाएंगे। मैंने नेम लेट सपोज लिख दिया प्रिया, TD क्लोज, देन उसका रोल नंबर हम लिखेंगे रोल नंबर 1, TD को क्लोज करेंगे, देन उसके हमें मार्क्स लिखने हैं, लेट सपोज उसके मार्क्स हैं 87, TD क्लोज, देन उसके इंग्लिश के मार्क्स लिखने हैं हमें, क्लोज। ये अभी एक स्टूडेंट का हुआ है हमारा डाटा कंप्लीट। ऐसे ही हमें जितने स्टूडेंट्स का बनाना है वो हम बना सकते हैं। मैं एक और स्टूडेंट का बना के दिखा देती हूँ आपको, फिर हम रिजल्ट देखेंगे। दूसरे स्टूडेंट का नाम हो गया हमारा अर्पिता,
रोल नंबर हम लिख लेंगे 2। मार्क्स लिख लेंगे 95। सेकेंड मार्क्स लिख लेंगे हम 70। टीडी क्लोज, देन हम रो को क्लोज करेंगे, टीआर को क्लोज किया, देन हम टेबल टैग जो हमने शुरू में स्टार्ट किया था वो क्लोज करेंगे, देन बॉडी क्लोज, देन एचटीएमएल क्लोज। सेव करेंगे हमारी फाइल, सेव एज abc.html। अब देखते हैं रिजल्ट, ये आ गई हमारा टेबल जो हमने क्रिएट किया था। अब ये मार्क्स है, इसको हमें फुल में लाना है, वो हाफ में बहुत अजीब लग रहा है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेबल को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें स्पेसिफिक कलर्स डाल सकते हैं। वो कैसे, बैकग्राउंड कलर की हेल्प लेंगे हम। अगर हमें फुल टेबल में एक ही कलर डालना है तो हम क्या करेंगे, बीजी कलर हम टेबल वाली टैग में लिख लेंगे, बीजी कलर इज इक्वल टू रेड। सेव किया, लेट्स सी आवर रिजल्ट्स। बीजी कलर में स्पीच में स्पेस नहीं आता है, इसलिए मेरा कलर नहीं आया था। अब हमारा रेड कलर पूरी, ये पूरी टेबल पे है, मुझे स्पेसिफिक चाहिए प्रिया में अलग कलर हो, अर्पिता में अलग कलर हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं स्पेसिफिक डाल दूँगी कलर। वो कैसे, यहाँ से रिमूव करके, जैसे इसमें मुझे प्रिया में डालना है तो मैं करूँगी बीजी कलर इक्वल्स टू ग्रीन, ऐसे मुझे अर्पिता के लिए डालना है बीजी कलर इक्वल्स टू येलो। या हम कुछ भी डाल सकते हैं, ब्लू डाल लिया जैसे मैंने, कंट्रोल प्लस एस से सेव करके। हमने देखा प्रिया में ग्रीन आ गया, अर्पिता में ब्लू कलर आ गया। ओके, ऐसे ही हम जैसे 1 के लिए, 2 के लिए, ऐसे ही सब के लिए हम कर सकते हैं अलग अलग स्पेसिफिक कलर्स। तो हम मार्क्स को ये सब में पूरे कॉलम में, पूरी रो में कैसे लाएंगे, उसको हम नेक्स्ट टेबल में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।